नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जो इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर हिमाचल कांग्रेस ने प्रदेश कार्यकारिणी जो है वो भंग कर दी है। अगर बात की जाए तो नए सिरे से अब कार्यकारिणी का गठन होगा, बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष के अलावा अब कोई पद मान्य नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश कार्यकारिणी का गठन एक बार फिर से होगा और इस कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। हिमाचल कांग्रेस ने प्रदेश कार्यकारिणी भंग कर दी है और नए सिरे से एक बार फिर से कार्यकारिणी का गठन होगा। अगर अपने पद पर बरकरार रहेंगे, उसके अलावा बाकी परिवर्तन जो है वो भंग कर दिए गए हैं। नए सिरे से कार्यकारिणी का एक बार फिर से गठन किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की हिमाचल प्रदेश के लिए, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कोई पद मान्य नहीं होगा। हिमाचल कांग्रेस ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी भंग कर दी है, नए सिरे से कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कोई पद अब मान्य नहीं है। तो हिमाचल में प्रदेश कार्यकारिणी कांग्रेस ने अपनी भंग कर दी है, नए सिरे से कार्यकारिणी का गठन होगा। तो हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश कार्यकारिणी भंग कर दी है, बड़ी खबर उस वक्त की, जहां पर आपको बता दें कि नए सिरे से अब कार्यकारिणी का आने वाले समय में गठन होगा, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कोई पद मान्य नहीं है हिमाचल कांग्रेस में। अगर बात करें तो नए सिरे से कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, बड़ी खबर उस वक्त की हिमाचल प्रदेश से, जहां पर हिमाचल प्रदेश कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कोई पद मान्य नहीं होगा, नए सिरे से एक बार फिर से कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, बड़ी खबर उस वक्त की। तो नए प्रदेश अध्यक्ष की अगर बात करें तो उनके अलावा बाकी सारी कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और एक बार फिर से नए सिरे से कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कोई पद हिमाचल में मान्य नहीं होगा हिमाचल कांग्रेस में, और हिमाचल कांग्रेस ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी भंग कर दी है, बड़ी खबर उस वक्त की। तो प्रेस रिलीज आप सबकी टीवी स्क्रीन पर, जो दिल्ली से जारी किया गया, दिल्ली कांग्रेस ने जारी किया। अगर बात करें तो हिमाचल कांग्रेस ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी जो है वो भंग कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कोई पद मान्य नहीं होगा हिमाचल प्रदेश कार्यकारिणी जो है वो कांग्रेस ने अपनी भंग कर दी है। तो नए सिरे से कार्यकारिणी का गठन होगा, प्रदेश कार्यकारिणी समिति जो है वो नए सिरे से एक बार फिर से बनाई जाएगी। लेकिन ऐसे में अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कोई पद मान्य नहीं होगा, यानी कि कुलदीप राठौर का पद मान्य होगा क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष है हिमाचल कांग्रेस के, लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है और नए सिरे से एक बार फिर से प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, बड़ी खबर उस वक्त की हिमाचल प्रदेश से। यहां पर आपको बता दें कि हिमाचल कांग्रेस ने प्रदेश कार्यकारिणी जो है वो भंग कर दी है, नए सिरे से प्रदेश कार्यकारिणी का एक बार फिर से आने वाले समय में गठन किया जाएगा, बड़ी खबर उस वक्त की। अगर बात करें ऐसे में तो प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कोई पद अब हिमाचल कांग्रेस में मान्य नहीं होगा, कार्यकारिणी जो थी उसको भंग कर दिया गया है। अब नए सिरे से आने वाले समय में एक बार फिर से कार्यकारिणी का गठन होगा, किसको कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस समय आपको बता दें कि हिमाचल कांग्रेस ने प्रदेश कार्यकारिणी जो है वो भंग कर दी है और नए सिरे से कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। किसको कौन सी जिम्मेदारी एक बार हिमाचल कांग्रेस में फिर से मिलेगी ये तो खैर देखने वाली बात होगी, समय बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये खबर है कि हिमाचल कांग्रेस ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी भंग कर दी है। नए सिरे से एक बार फिर से विचार विमर्श किया जाएगा, बातचीत की जाएगी और हिमाचल के अंदर कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी का गठन एक बार फिर से नए सिरे से होगा। प्रदेश अध्यक्ष के अलावा इस समय कोई पद मान्य नहीं है हिमाचल कांग्रेस में, नए सिरे से एक बार फिर से कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कोई पद मान्य नहीं है हिमाचल प्रदेश में
और आने वाले समय में किसके कंधे पर कांग्रेस जो है वो हिमाचल में जिम्मेदारियां सौंपती है, ये तो खैर देखने वाली बात होगी, क्योंकि प्रदेश कार्यकारिणी का गठन जब होगा तब कौन से नए नाम जो है वो सामने निकल कर आएंगे। लेकिन समय की खबर आपको बता दें जहां पर हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी भंग कर दी गई है सिवाय कुलदीप राठौर यानी कि प्रदेश अध्यक्ष के। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास शर्मा जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट्स के लिए। विकास, क्या कुछ अपडेट्स आपके पास इस पूरी खबर पर? सबसे पहले जिस तरह था कि लगातार जो है अब जी विकास सुन पा रहे हैं आप हमें? विकास जी सवाल दोहराते हैं, सबसे पहले ताजा अपडेट्स क्या कुछ हैं इस पूरी खबर पर आपके पास? तो विकास जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप जो है वो लगातार बड़ा फेरबदल जो है एक बार फिर देखने के लिए सामने आया है। और ऐसे में कहा यही जा रहा है कि सोनिया गांधी के जो है वो अब आदेश है, और इसमें साफ इन आदेशों में कहा गया है कि जो जिला स्तर की कार्यकारिणी थी या फिर ब्लॉक स्तर की कार्यकारिणी है या फिर इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है, इन तमाम बॉडीज को जो है अब पूरी तरह से भंग कर दिया गया है, पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। लेकिन कुलदीप सिंह राठौर जो है वो अभी भी अपने पद पर यहाँ पर लगातार बने रहेंगे। ऐसे में यही कहा जा रहा था कि जिस तरह से लंबे समय से चीजें नजर आ रही थी कि कांग्रेस जो है वो हार की तरफ जा रही थी, लगातार सारी हार जो है वो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर देखने के लिए मिल रही, तो हुआ भी ऐसा ही। बड़ा बदलाव जो है वो एक बार कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर किया है, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सोनिया गांधी उनका भी यही कहना था। हालांकि पिछले लंबे समय से लगातार जो है वो मंथन इस चीज को लेकर यहाँ पर हो रहा था, और ये कहा जा रहा था कि बड़ा बदलाव जो है निश्चित रूप से होगा, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश में पिछले लंबे समय से रहा है वो कहीं ना कहीं अब हाईकमान को जो है वो उस पर निर्णय जो है वो यहाँ पर ले रहा था, और ऐसे में निर्णय लिया भी गया, और आज जिस तरह से अब आदेश आए हैं कहीं ना कहीं बड़ी खबर है। और ऐसे में अब कुलदीप सिंह राठौर से भी हमारी बात हुई, उनका भी यही कहना था कि मुझ पर जो है अभी भी हाईकमान ने यहाँ पर विश्वास जताया है, मैं अपने पद पर जो है कायम रहूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं बदलाव के चलते जो है जिस तरह से ब्लॉक स्तर के अगर बात करें तो ब्लॉक की कार्यकारिणी उसे बंद कर दिया गया है, जिला जो कार्यकारिणी है उसे यहाँ पर बंद कर दिया, इस तरह से एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है उसे भी यहाँ पर बंद कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब यही है कि कांग्रेस जो है वो किस राह पर आगे चल रही है, क्या बीजेपी को शिकस्त देने के लिए नई जो है स्ट्रेटजी यहाँ पर बनाई जा रही है, तमाम चीजों को लेकर अभी संशय लगातार बरकरार है। और हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि आने वाले समय में कोई और बड़ा बदलाव जो है वो हिमाचल प्रदेश में हो सकता है। इशारा साफ है कि हिमाचल में अब प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला जा सकता है, इससे कांग्रेस पार्टी गुरेज नहीं करेगी। हालांकि पिछले दिनों की अगर बात करें तो अभी खबरें ये भी जो सूत्र हमारे बताते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है कौल सिंह ठाकुर, जो कि पहले मंत्री भी रहे हैं, तीन बार जो है वो अध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ही, तो एक बार फिर से विश्वास जो है वो कांग्रेस पार्टी उन पर जता सकती है, हाईकमान से जो है वो एक विचार विमर्श कर जो है वो हिमाचल प्रदेश वापिस लौटे हैं। ठाकुर कौल सिंह मंडी से संबंध रखते हैं, ऐसे में पहले भी नेतृत्व जो है वो पीसीसी का यहाँ पर कर चुके हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कर चुके हैं। इसके अलावा एक बड़ा नाम और आता है, वो है आशा कुमारी। आशा कुमारी जो है वो इससे पहले भी अहम पदों पर जो है वो रह चुकी है, कांग्रेस में एक अच्छी छवि उनकी है, ऐसे में पंजाब की प्रभारी भी रही है, हिमाचल प्रदेश में भी जो विधानसभा में पहुंची है विधायक है चंबा से, तो कहीं ना कहीं अब यही देख रही है कांग्रेस पार्टी की कहां मजबूती जो है वो लाई जाए, किन लोगों को जो है वो यहां पर शामिल किया जाए, जो पुराने लोग हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से जो है वो यहां पर अधिसूचना जो है उसकी यहां पर कांग्रेस की तरफ से जारी कर दी गई है, और ये कहा गया है कि बड़ा बदलाव यहां पर। विकास बिल्कुल, अगर बात की जाए तो क्या अब हिमाचल के प्रदेश कार्यकारिणी में नए चेहरों को जगह दी जाएगी? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से कांग्रेस में जिस तरह से हमने देखा लंबे समय से कहीं ना कहीं अब ये चर्चे थी अटकलें थी, ये भी कहा जा रहा था कि बदलाव जो है वो होगा। हालांकि रजनी पाटिल पिछले दिनों यहाँ हिमाचल आई थी, शिमला आई थी, उन्होंने कहा था कि बड़ा बदलाव जो है वो निश्चित रूप से होगा, लेकिन कब होगा इसको कह पाना, इसका खुलासा कर पाना जो है मुमकिन नहीं था। तो ऐसे में यही कहा जा रहा था कि क्या बदलाव जो होता है या किन चेहरों को जो है वो यहाँ पर अब पसंद किया जाएगा, क्योंकि सोनिया गांधी जो है वो हिमाचल प्रदेश से भली भांति जो है परिचित है, जो छह बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह जो है वो उनके काफी करीबी माने जाते हैं। ऐसे में यही कहा जाता है कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश में बनता है वो खास तौर पर हाईकमान का तो वो रहता ही है, लेकिन मुख्यमंत्री
वीरभद्र, जो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह है और हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं, उनका पसंदीदा जो व्यक्ति होता है वही यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनता है। तो ऐसे में लंबे समय से ये भी कहा जा रहा था कि अब निश्चित रूप से बदलाव होगा और कार्यकारिणी जो है उसमें बदलाव किया जा सकता है, लेकिन ये बड़ी बात है कि पूरी की पूरी कार्यकारिणी को ही यहाँ पर खत्म कर दिया गया, यानी कि हिमाचल प्रदेश सिर्फ और सिर्फ अब कुलदीप सिंह राठौर जो है वो अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। इसके अलावा जितने भी और लोग हैं वो अब कार्यकारिणी में नहीं होंगे, पूरी तरह से कार्यकारिणी का दोबारा से बनाई जाएगी। अब दोबारा से जो है वो पूरी कार्यकारिणी जो है, चाहे ब्लॉक स्तर की अगर बात करें, जिला स्तर की बात करें, तो सभी चीजें जो है एक बार फिर से नई बनने वाली है। और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी जो है लगातार कसरत भी कर रही है, क्योंकि पिछले दिनों जो चुनावों की अगर बात करें या फिर विधानसभा में घेरने की अगर बात करें तो लगातार सवाल उठते हैं। बिल्कुल विकास, बिल्कुल विकास, एक चीज और मजबूत जो है वो यहाँ पर दिखाई नहीं देती, यही कारण है बड़ी हार जो है वो पिछले चुनावों में देखने। बिल्कुल विकास, अगर बात की जाए तो उपचुनाव में जब से कांग्रेस दोनों सीटें हारी है उसके बाद से कहीं ना कहीं से ये कहा जा रहा था कि कुलदीप राठौर जो है प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाए जा सकते हैं, लेकिन अब की स्थिति अगर देखें तो प्रदेश कार्यकारिणी भंग हो चुकी है लेकिन कुलदीप राठौर अपने पद पर अभी भी हैं। निश्चित रूप से देखिए, अभी फिलहाल हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि शिमला में जिस तरह से कुलदीप सिंह राठौर जो है वो यहाँ पे बैठ के करते रहे, अगर केंद्र की तरफ से अगर कोई भी हाईकमान की तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर कोई भी बड़ा नेता आता तो लगातार चर्चाएं इसी चीज को लेकर होती रही हैं कि क्या हिमाचल प्रदेश में पार्टी को एकजुट कैसे किया जा रहा है, गुटबाजी जो है वो लगातार सामने है। और ऐसे में गुटबाजी जो है वो उसका शिकार कहीं ना कहीं जो है वो, अगर चुनावों की खास तौर पर बात करें या फिर अंदर खाते में जिस तरह की चीजें जो है वो निकल कर सामने आ रही थी, कहीं ना कहीं सवाल कई तरह के थे और पार्टी हाईकमान को भी ये चीज पता थी कि अब जिस तरह से गुटबाजी है वो किस तरह की है, कौन कौन लोग जो है वो स्थितियां कांग्रेस की कुल मिलाकर ऐसी है हिमाचल प्रदेश के अंदर कि कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत जो है वो बिल्कुल बनी हुई है। विकास, तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।